ओके जी, स्टार्ट लेते हैं। डी रेफरेंसिंग की बात जब मैं कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी रेफरेंस की बेस के ऊपर उसकी वैल्यू निकालते हैं तो बेसिकली इस काम को हम लोग क्या कहते हैं, डी रेफरेंसिंग कहते हैं जी। ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग ये जो है ये चीज़ करेंगे। ठीक है, इसको ज़रा समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है जी। डी रेफरेंसिंग देखें, यहाँ पे हमारे पास ये इसका आई का एड्रेस था और ये आई का एड्रेस हमारे पास स्टोर था पी के अंदर, और पी का अपना एड्रेस ये था, ये पी का अपना एड्रेस है। अच्छा, अब होगा क्या, ये देखें, स्टैटिक पी की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अब पी के अंदर जो पड़ा कंटेंट है, पी के अंदर पड़ा कंटेंट वो क्या है, एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है जी, यानी कि एड्रेस कौन सा है, 85065, और उस पर पड़ी वैल्यू क्या है, 3। ठीक है जी, और इसको हम लोगों ने इक्वल रख दिया है स्टेरिक पी के, यानी कि वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सॉरी वैल्यू एट कंटेंट ऑफ पी। यहाँ पे अगर बात की जाए, पी में क्या है, एड्रेस है आई का। ठीक है जी, तो हम साथ उसके क्या लगाया हुआ है, वैल्यू, तो वैल्यू जो है वो अभी क्या है, 3 है, प्लस क्या हो जाएगा जी, 10, और इसको स्टोर कर दिया जाएगा पी पर, पी में पड़े एड्रेस की लोकेशन पे। पी में एड्रेस कौन सा पड़ा है, आई का, और यहाँ पे फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13, 10 प्लस कर दिया गया। ठीक है जी, अब अगेन हम लोग ये करते हैं, अगेन हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एड्रेस है, यानी ये इसको एवेल्युएट इस तरीके से किया जाएगा, ये जो ये स्टेटमेंट है ना, ये एवेल्युएट किस तरीके से हो रही है, ये इस तरीके से हो रही है। पी क्या है, पी हमारे पास ये है, ये पी है ना, ये पी की वैल्यू है, इसको मैं रेज करता हूँ आपको सही नजर आए, जरा मैं इसको करता हूँ जी, हमारे पास सॉरी ये हाईलाइटर, एक्चुअली मैं इसको सामने इस वक्त जो है वो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है, इसलिए जो है ये चीज़ नज़र नहीं आई, तो ये हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें जी, पी पे पड़ा हमारे पास क्या चीज़ है, पी पे हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस ये वाला, यानी इसकी बात हो रही है, और वैल्यू एट दिस एड्रेस इज 3। तो इससे मुराद ये था कि 3 था इससे मुराद। ठीक है जी, इसके अगर समझें तो ये देखें 3 आ गया, 3 + 10 कितना हो गया जी, हमारे पास 13 हो गया, और ये 13 जो है ये स्टोर कहाँ पे हुआ है, ये कंसिडर हुआ है वैल्यू एट दिस एड्रेस, यानी कि इस जगह पे आया है। ठीक है जी, ये देखें जी वहाँ पे 13 चला गया, तो पॉइंटर इज डी रेफरेंस्ड, यहाँ पे देखें तो पॉइंटर को डी रेफरेंस किया गया है। ठीक है, जब आप उस पे किसी भी एड्रेस की बेस के ऊपर उसकी जो है वैल्यू फेच करते हैं या उस वैल्यू को उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये बेसिकली आप डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर देखें तो हमारे पास बच्चों एक अल्फा पॉइंटिंग जो है वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, और उसकी जो डाटा टाइप है वो किस किस डाटा टाइप वाले वेरिएबल को पॉइंट करेगा, इंटीजर टाइप को। यहाँ पे करेक्टर है, करेक्टर ये वाला जो सी एच हम लोगों ने बनाया है, तो ये एक ऐसा पॉइंटर बनेगा, एक ऐसा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनेगा जो कि ऐसे वेरिएबल को जो है पॉइंट करेगा या रेफरेंस उसका रखेगा जो कि करेक्टर टाइप का होगा। और ऐसे ही हमारे पास ये फ्लोट स्टैटिक एस है। ठीक है बच्चों, ये भी इसी तरीके से जो है हमारे पास होंगे। बस बच्चों सीधा जाता हूँ, अगर मैं फंक्शन कॉल्स की तरफ जाता हूँ, तो हम लोग फंक्शन को कॉल जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं, यही चीज़ें अगली डिस्कशन है। तो एक हम लोग ये कर सकते हैं कि हम सीधा सीधा आर्गुमेंट्स भेज दें, और एक दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोग एड्रेसेस भेज दें। तो इसी पे जो है ये हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने लगा है, तो मैं यहाँ पे जो है इस रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, और जो दूसरी स्लाइड है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, देन हम लोग आगे से इसको स्टार्ट लेते हैं। ज्यूम, ओके जी, स्टार्ट लेते हैं आगे। हमारे पास अब हम लोग जो टॉपिक है जो हमारा, वो क्या है जी, कि हम लोग इसको करना चाहते हैं, इसको फंक्शंस के हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग पासिंग पैरामीटर्स बाय वैल्यू और पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस, ये दो चीज़ें हमारी ये टॉपिक के पार्ट होंगी। तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। ओके जी, हम लोगों ने जैसे पीछे बच्चों देखा कि हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसके अंदर
होता ही है कि वो फंक्शन के अंदर हम कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी, और हमारे पास कोई ना कोई इनपुट्स आती हैं एज अ हमारे पास पैरामीटर, हमारे पास कोई ना कोई इनपुट आती है, और उसके बाद उस इनपुट के ऊपर काम होने के बाद जो है हमारे पास उस पर प्रोसेसिंग होने के बाद कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट जनरेट होती है, कुछ ना कुछ हमें रिटर्न होता है। रिटर्न का मतलब ये है कि कोई आप लोग उधर से आप कोई रिजल्ट जो है, या कोई आप लोग किसी स्पेसिफिक वैल्यू को वहां से लेना चाह रहे हैं, मुमकिन है कि वो कोई एक ना कोई एक्सप्रेशन हो। बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने रिटर्न के ऊपर एक अच्छी ऐसी डिस्कशन की थी। इवन उसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यूज भी रिटर्न करवाई थी जिसको आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी, और अगर वहां से कोई वैल्यू रिटर्न ना हो तो हमें पता है कि उस फंक्शन को हम वॉइड कहते हैं, जिस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न ना करें। जैसे आप लोग मेन फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करते क्योंकि आपको पता है एंड पे आप लोग रिटर्न जीरो लिखते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसलिए मेन फंक्शन के पीछे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वॉइड लिखा होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, उसको वैल्यू वापस देता है जिसको जिधर से कॉल आई थी, जिधर से कॉल आई हो वहां पे वैल्यू वापस भेजता है। अब वो डिपेंड करता है वहां पे आप लोगों ने कोई कंटेनर रखा है पीछे उसको उस वैल्यू को पकड़ने के लिए कि नहीं रखा, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसने फंक्शन ने अगर रिटर्न स्टेटमेंट जिधर इनकाउंटर होगी उसने तो रिटर्न वहां से कुछ ना कुछ कर ही देना है। पास बाय वैल्यू, ठीक है जी, इसका जो हमारा टॉपिक है, आर्गुमेंट ऑफ ए फंक्शन रिटेन देयर ओरिजिनल वैल्यूज आफ्टर द फंक्शंस एग्जीक्यूशन। फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी ना, जो आप लोग ने रखी हुई थी, वो उसकी रिटेन रहेगी, वो ही रहेगी, ठीक है जी, वो उसको उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी टाइप इंटीजर है। जब टाइप इंटीजर है तो आपने नीचे आके देखना है क्या रिटर्न इंटीजर टाइप हो रही है। ये सिर्फ आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर लेट सपोज अगर एरर ट्रेसिंग ही है हम लोग वही देख रहे हैं, तो ये देखें अगर इन टाइप का फंक्शन है तो क्या जो रिटर्न कर रहा है वो नम वन है। अच्छा नम वन किस टाइप का है, इन टाइप का है। फिर तो ठीक है जी, ये रिटर्न टाइप सही लिखी हुई है, ठीक है जी, हमें पता चल गया ये रिटर्न टाइप ठीक है। फिर फंक्शन का नाम भी बिल्कुल ठीक है, सम है, और उसके अंदर हम लोगों ने एक आर्गूमेंट ये आ गया नम वन, ये इंटीजर टाइप का है, एक आर्गूमेंट हमारे पास नम टू आ गया। फिर हमने क्या किया, नम वन इक्वल है नम वन प्लस नम टू के। अगर लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू है टू, इधर है वैल्यू थ्री, तो टू और थ्री को प्लस किया जाएगा और नम वन के अंदर स्टोर कर दिया गया है, और रिटर्न क्या किया जा रहा है नम वन, यानी जो भी वैल्यू नम वन के अंदर स्टोर हुई होगी, लेट सपोज अगर फाइव है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, कहाँ पे, जहाँ पे इसको कॉल किया गया है, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर आके क्या किया है कि एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई और एक वेरिएबल जी कह दिया है। हमने कहा कि जो वार एक्स है वो थ्री के इक्वल है, वार वाई जो है वो फाइव के इक्वल है, ओके, और वार जी जो है वो इक्वल है। अब ये देखें जी हमने किसको कॉल कर लिया है, हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है, यानी इधर से सीधी कॉल जाएगी कहाँ पे, इस फंक्शन में। और इस फंक्शन में कॉल जब भेज रहे हैं तो हमने दो पैरामीटर भेजे हैं, हमने बात की थी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद ये है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो पहला है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कॉपी हो जाएगी एज इट इज नम वन में, और जो वेरिएबल वाई है, वार वाई है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो कॉपी हो जाएगी किसके अंदर, नम के अंदर, नम टू के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास थ्री है वैल्यू, ठीक है, वार एक्स के अंदर, तो यहाँ पे जाएगा थ्री, और वार वाई के अंदर हमारे पास फाइव है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फाइव, ओके। देन हम ये कर रहे हैं इसके अंदर जब वैल्यू गई है तो इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फंक्शन की प्रोसेसिंग, और फंक्शन की प्रोसेसिंग ये करेगा कि थ्री को प्लस करेगा फाइव में, एट आएगा, एट असाइन कर देगा नम वन को, और हमारे पास नम वन की वैल्यू क्या हो गई है, एट, इसकी वैल्यू एट हो गई है, और ये जो एट है ये देखिए नम वन ही रिटर्न हो रहा है ना, तो यहाँ से वैल्यू वापस रिटर्न होगी और इस जगह पे आएगी, ठीक है, और वो वैल्यू कितनी है, एट, यानी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो वैल्यू है, यानी इसकी जगह पे आएगी जो वैल्यू वो है एट, और वो एट चला जाएगा किसके अंदर, इक्वल टू वारजी, वारजी के अंदर महफूज हो जाएगा वो वैल्यू, और वो वैल्यू देन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अगेन मैं आप ये बात रिपीट करता हूँ
कि ये जो फंक्शन वहां से एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न होगी वो इस फंक्शन को यहाँ पे रिप्लेस करेगी, यानी इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर रिजल्ट क्या है, 8, और वो 8 असाइन हो जाएगा किसको, वर्जी को। हो सकता है आप लोगों ने इस रिजल्ट को यहाँ पे स्टेरिक लगाया होता, स्टेरिक ऑपरेटर यूज किया होता और उसको वर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते, मुमकिन है ना, उसको फिर आप सी आउट करवा देते, ये भी मुमकिन है। तो हमने बस ये किया कि असाइनमेंट की हुई थी इसलिए ये वैल्यू असाइन हो जाएगी वर्जी को, और वर्जी देन हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हम लोगों ने एक और मैं बात बता दूं यहाँ पे, ताकि आपकी कुछ चीज़ें मैं दोबारा पीछे से भी साथ साथ कवर कर रहा हूँ, रिवाइज भी हो रही होंगी आपकी चीज़ें, कि ये जो हम लोगों ने फंक्शन जो है ये मेन फंक्शन से पहले उसको डिफाइन किया है, सो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इसकी डिक्लेरेशन जो है वो करें। ठीक है, डिक्लेरेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लोग मेन मेन फंक्शन के बाद अपना जो वो है फंक्शन है वो डिफाइन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ये उसी प्रोग्राम की जो है वो एग्जांपल वन की ही एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, ये वही चीज़ है। यहाँ पे बात करते हैं अगेन एक पास बाय वैल्यू का, एक और जो है यहाँ पे हमारे पास है, तो वाइड इंक्रीमेंट। अच्छा, वाइड लग गया ना, तो वाइड का मतलब क्या है, इसमें से रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा, सीधी बात है जी। ठीक है, ये तो मैं पता चल गया, इंक्रीमेंट हमारा फंक्शन का नाम है और उसका एक पैरामीटर है वो क्या है, इंट नंबर। कर क्या रहे हैं कि नंबर के अंदर जो भी नंबर भेजा जाएगा ना, कहीं से भी पैरामीटर जो भी नंबर की सूरत में आएगा वो हम लोग प्लस कर देंगे वन में। ठीक है, वन उसके अंदर प्लस करेंगे और जो आंसर है वो उसके अंदर हम लोग नंबर में महफूज कर देंगे और सी आउट कर देंगे हम लोग नंबर को उधर ही उसी फंक्शन के अंदर। रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, उसी फंक्शन में प्रिंट हो रहा है, यानी जो भी नंबर हम लोग भेजेंगे ना, ये नंबर उसके अंदर, ये फंक्शन उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा और वो उसको शो करवा देगा। अब होगा क्या, हम लोगों ने क्या किया, int i is equal to 10 रखा। ठीक है, इंक्रीमेंट, ये देखिए इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल हुआ है, देख रहे हैं इंक्रीमेंट का जैसे ही फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू कौन सी पास, ये i पास कर दिया यानी कि 10, और ये जाएगा सीधा, ये i की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि 10 इसमें कॉपी होगा, तो 10 + 1 = 11, तो यहाँ पे यही फंक्शन इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, ये फंक्शन इसको प्रिंट कर रहा है, ये वाला इंक्रीमेंट फंक्शन ही इसको प्रिंट कर रहा है। देखें, जो दूसरा प्लस प्लस का आप लोग फंक्शन यूज करते थे वो सिर्फ क्या करता था, मेमोरी के अंदर चेंज करता था, उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं था करता, लेकिन यहाँ पे देखें इंक्रीमेंट भी हो रहा है और सॉरी प्रिंटिंग भी हो रही है। तो ये हम लोगों ने खुद बनाया ना फंक्शन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन था इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। अब आगे देखें जी, हम लोग क्या करते हैं, सी आउट द वेरिएबल आई इज आई, तो ये सिंपल आपको पता है आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 35 भेजा है तो 35 की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होके वहाँ पे सी आउट भी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 36 आ जाएगा। ठीक है, और देन हमारे पास जो है अच्छा एक और बात देखें, मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने किया होता आई प्लस प्लस, ये बात को जरा समझिएगा, आई प्लस प्लस किया होता तो फिर तो आई की वैल्यू की जो है वो इंक्रीमेंट होती 11 हो जाता आई के अंदर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या आई के अंदर यहाँ पे हम लोग ये जो इंक्रीमेंट आई करते हैं देन हम लोग वेरिएबल आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं, क्या वैल्यू के अंदर यहाँ पे आई की जगह पे 10 प्रिंट होगा कि 11 प्रिंट होगा जी, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा ये बात जी, स्टूडेंट्स जी, बच्चों जी, स्टूडेंट्स बताएं। मैं आपको एक दफा दोबारा पीछे कोड भी दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारे पास कोड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट होके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे हम लोग मुझे बताएं कि क्या इस वैल्यू में ये जो हमारे पास आई है ये क्या इधर 11 आएगा कि 10 आएगा, यहाँ पे इस इधर 11 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। और जी को बच्चा बताए जी, सर यहाँ पे 11 ही आएगा, 11 ही आएगा जी। और मुझे को बच्चा बताए जी, मोहम्मद उमर भी कहना चाह रहे हैं कुछ, सर 10 आएगा, 10 आएगा। अच्छा जी, मुनीर भी कुछ बताना चाह रहे हैं हमें, सर 10 आएगा, 10 आएगा। अच्छा जी, और अब्दुज़ियान भी पूछना बताना चाह रहे हैं मुझे कुछ जी, अब्दुज़ियान 10 आएगा, 10 आएगा। ओके जी, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये बिल्कुल जो 10 वाले हैं ये ठीक हैं, 11 वाले इसलिए जो हैं वो ठीक नहीं कह पाए, मैं आपको बात समझाता हूँ बच्चों। देखें
ये जो आई की वैल्यू है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू पास हुई थी। आई की वैल्यू क्या हुई थी? पास। 10 वैल्यू जो है वो पास हुई, और वो 10 आई की जो वैल्यू है, यानी कि जो 10 है वो पास हुआ कहाँ पे? यहाँ पे नंबर के अंदर। इंक्रीमेंट हमने कहाँ पे किया है? हमने नंबर में इंक्रीमेंट किया है, नंबर की वैल्यू, ना कि हम लोगों ने आई में इंक्रीमेंट किया है। हम आई का तो, आई तो है ही उस मेन फंक्शन के अंदर है ना, ठीक है। हमने तो नंबर के अंदर इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। और हम यहाँ पे जो चीज प्रिंट कर रहे हैं वो आई प्रिंट कर रहे हैं, और आई की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 10 ही थी। इंक्रीमेंट जो हम लोगों ने किया बच्चों, वो पहले हमने आई को भेजा था किसके अंदर? नंबर के अंदर। ये ऐसे है बच्चों के, अगर ये देखो एन है, एन के इक्वल में रख देता हूँ आई के, इधर से आपको चलें समझ आ जाएगी बात, ठीक है। और एन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ? इंक्रीमेंट करता हूँ। तो एन में इंक्रीमेंट होगा ना, ना कि आई में होगा। आई में तो नहीं होगा, आई को मैं प्रिंट करूंगा तो वो तो एज इट इज वही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से, मुझे लगता है कि आपको ये वाली बात से समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जब आप एन प्लस प्लस कर रहे हैं तो आप एन के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ना कि आप आई में इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो आपने नंबर में इंक्रीमेंट किया है, आई में इंक्रीमेंट नहीं किया आपने, ठीक है जी। तो इसलिए आई की ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी, ठीक है जी। जी हमारा सर ये वाली बात एक दफा फिर रिपीट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा ये बात समझ लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये बात आपको मैं दोबारा समझाता हूँ कि बच्चों हुआ ये है कि हमारे पास ना ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको मैं, एक मिनट जी, ये आ गई चीज। अच्छा देखें, आई की वैल्यू इस वक्त क्या है? 10 है। आई की वैल्यू जी 10 है, ओके। हमने क्या किया है? आई की वैल्यू को पास कर दिया है। किस फंक्शन में? इंक्रीमेंट फंक्शन में। अच्छा वो वैल्यू जो है वो कॉपी होगी, आपको पता 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। वो 10 जो है ना, ये चला जाएगा कहाँ पे? नंबर के अंदर कॉपी होगा, यहाँ पे आगे, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया, ये वाला, ये फंक्शन की कॉलिंग की है हम लोगों ने। और वो जो आई की वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी आगे किसके अंदर? नंबर के अंदर। आई की जान छूट गई है इधर, आई का अब कोई तल्लुक नहीं है इसके साथ। बात की समझ आई है? यानी आई का उधर ही लिंक खत्म हो गया। अब जो इंक्रीमेंट आप कर रहे हो वो नंबर के अंदर कर रहे हो, आपने आई के अंदर तो इंक्रीमेंट किया ही नहीं है। आई की तो ओरिजिनल वैल्यू रिटेन होगी, ये वही बात है जो पहले हम लोगों ने की थी, ठीक है। तो क्या ओरिजिनल वैल्यू रिटेन रहती है? अब ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर की वैल्यू के अंदर मॉडिफिकेशन की है, हमने आई की वैल्यू के अंदर मॉडिफिकेशन की नहीं है। अगर इसको मैं सिंपली आपको समझाना चाहूँ तो एक अगर वेरिएबल हो एन, एन इक्वल्स टू मैं रख दूँ आई के, ठीक है जी, आई के इक्वल मैंने रख दिया इसको। तो अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ एन के अंदर, तो जब मैं प्रिंट करूंगा आई को, आई को तो अंदर अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, वो तो चेंजिंग हमने एन के अंदर की है, ठीक है। इसके अंदर तो चेंजिंग ही नहीं की है हम लोगों ने आई के अंदर, इसलिए आई के ऊपर कोई असर नहीं होगा। आई की ओरिजिनल वैल्यू रिटेन रहेगी, वो क्या है? 10, ठीक है जी, वो 10 ही रहेगा। शाबाशी। तो आगे भी बच्चों बिल्कुल ये सेम चीजें हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इस तरीके से भी वैल्यू भेज सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? आई की वैल्यू यानी 10 है, 10 प्लस 26 यानी कि 36 आ जाएगा, और 36 यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी आप लोग पास कर सकते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट आप लोग पास कर सकते हैं। एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशन देखें आपने आर्गूमेंट में लिखी हुई है, तो इससे इसमें क्या हो रहा है कि जो भी आई की वैल्यू होगी वो प्लस होगी 26 में, और 26 में वैल्यू प्लस होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास पास हो जाएगी इंक्रीमेंट फंक्शन के लिए, और वहां पे जाकर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होके हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, ये देखें सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये एनिमेशन के अंदर। जी मोहम्मद उमर, आपका क्वेश्चन है जी, बच्चे बोले। सर जैसे आपने पीछे बताया है कि जो पैरामीटर हमारे पास आई है और हम पैरामीटर में आई के एक इंक्रीमेंट करके और उसके बाद जो हम आई नीचे फंक्शन के बाद हमने उसका आउटपुट करवाया आई का, तो फिर इंक्रीमेंट होकर आउटपुट होगा कि ऐसे ही? अच्छा अगर मैं, हाँ बिल्कुल, ये देखो अगर आप इधर ये कर रहे हो ना, इसके बाद आप अगली स्टेटमेंट में ये लिख देते हो, इसके बाद यानी 10 इस लाइन के बाद आप लिखते हो आगे आई प्लस प्लस करते हो, ठीक है जी। अब इंक्रीमेंट हुआ है आई के अंदर, अब आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, अब आई के ऊपर असर हुआ है, ठीक है। इससे पहले आई के ऊपर कोई असर नहीं था हो रहा। बात की समझ आ गई है मोहम्मद उमर? यही क्वेश्चन था आपका? यस सर, हाँ जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ये देखो यस बच्चों, सर, ये अगर मैं उसकी फिगर के तौर पे उसको समझाना चाहूँ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये देखिए इंक्रीमेंट आई है,
ये इसने क्या किया, इसने फंक्शन कॉल कर दिया, कौन सा, इंक्रीमेंट वाला, ठीक है, कॉल सीधी गई है इस इंक्रीमेंट फंक्शन को, और उसमें आई जो है ये एज एन आर्गुमेंट पास हुआ था, ठीक है, और आई हमारे पास जाके नंबर के अंदर, और नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस वन, और वहां से फिर हमारे पास सी आउट होने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे मूव किया, यानी कंट्रोल इस तरीके, ये जो ब्लैक लाइन है ना ये कंट्रोल की मूवमेंट बता रही है, ठीक है जी, वापस यहाँ पे कंट्रोल आएगा। अगेन बच्चों एक और यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है जिसको कोट यहाँ पे किया है, तो इसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें आप लोगों ने एक, अब देखें दूसरे तरीके से जो है हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया है, पहले हम लोगों ने अब यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखी है फंक्शन की, प्रोटोटाइप फंक्शन की प्रोटोटाइप से मुराद ये है, फंक्शन हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, और ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने आर्गूमेंट्स की लिस्ट बता दी है कि ये दो डबल टाइप के आर्गूमेंट्स जो हैं यहाँ पे हम लोग इसको, हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है जी। फिर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग है वो मेन जो हमारे पास फंक्शन है उसमें हमारे पास ये आ जाते हैं दो वेरिएबल, हम लोगों ने उसको एक एक्स है एक वाई है, डेफिनेशन बाद में कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इसका जो है प्रोटोटाइप पहले कर दिया है। फिर हम लोगों ने ये किया कि डबल टाइप के दो वेरिएबल बनाए एक्स और वाई, हमने वैल्यूज एंटर करवा ली और एक को रख लिया एक्स में और एक को रख लिया वाई में, और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया, भाई आ जाओ जी ठीक है काम करो अपना, उसने जैसे कॉल गई और साथ हमने दो वैल्यूज भी भेजी है, देखिए एक्स भेज दिया और एक वाई भेज दिया, हम लोगों ने एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जैसे ही इसको कॉल इधर से आगे कॉल गई है तो कॉल आगे किधर जाएगी, सीधी ये हमारे पास जाएगी इस फंक्शन में, और इस फंक्शन में जो भी वैल्यूज थी उधर आई हमारे पास, ये जो भी एक्स के अंदर और वाई के अंदर वैल्यूज हैं, लेट सपोज हम लोगों ने कुछ भी 2 और इधर 4 एंटर किया हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये सीधी वैल्यूज यहाँ पे आके कॉपी हो जाएंगी। अच्छा फिर क्या हो रहा है, फिर हम लोगों ने एक अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो कि है सम नाम का और एक है एवरेज नाम का, ये दो वेरिएबल्स हैं। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, सम ये कर रहा है कि जो नंबर 1 आया है और जो नंबर 2 आया है इन दोनों को प्लस करेगा, जो आंसर है वो सेव कर देगा सम के अंदर। फिर एवरेज ये करेगा कि एवरेज के अंदर हम क्या रख रहे हैं, जो सम आया है उसको डिवाइड कर दिया 2 पे और जो आंसर है वो हम लोगों ने रख दिया एवरेज में। तो सी आउट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द सम इज सम, ये सम वेरिएबल है जो कि ये है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। देन एवरेज जो है वो एवरेज की वैल्यू जो हम लोगों ने रखी हुई है यहाँ पे, ये उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये दोनों सी आउट कर रहे हैं, और ये देखें रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी टाइप क्या है, वॉइड, ये यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों का जो है ये काम चलेगा, ठीक हो गया जी। फिर आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास ये देखें ये इसी फंक्शन की जो है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है वेरिएबल, एक हमारे पास वाई है, ये दोनों जाके कॉपी हो रहे हैं, देन हमारे पास सम और एवरेज है ये प्रिंट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बता सकता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल का, ठीक है जी। कामरान आपका क्वेश्चन है जी। कामरान सर मैं पूछ रहा था कि गेट लाइन फंक्शन जो आप बता रहे हैं सर, वो जिस जिस प्रोग्राम में आ रहे हैं वो असाइनमेंट 58 प्रोग्राम, वो हम प्रोग्राम स्किप कर दे क्योंकि वो आपने भी